हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 डेटा हैंडलिंग। राइट, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि बार ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है तो उसको अपन कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। राइट, मतलब बार ग्राफ से हमने इंफॉर्मेशन लेना सीखा था, है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग अ बार ग्राफ, मतलब हमें बार ग्राफ बनाना है। हमें डेटा दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, जिसमें आपको नंबर ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं और उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने स्टूडेंट्स के पास वो फ्रूट है। ठीक है, जैसे बनाना 8 के पास है, ऑरेंजेस 3 के पास है, एप्पल 5 के पास, गुआवा 4 के पास। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, इसका बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यही चीज अपन आज सीखने वाले हैं कि हमें अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो हम उससे उसका बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बार ग्राफ में क्या होता है ना, एक्स एक्सिस पे तो वो चीजें आती हैं जो लिखी हुई होती हैं, जो आगे की साइड, जिनका डेटा गिवन है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था जिसमें नंबर ऑफ वो ईयर्स दिए हुए थे 2000 2001, तो उनका डेटा गिवन था तो वो एक्स एक्सिस पे आया था और उनके रिस्पेक्ट में जो डेटा था वो वाई एक्सिस पे आया था। राइट, तो बेसिकली ये जो बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और गुआवा है, इनका डेटा हमें गिवन है तो हम इनको कहाँ लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। राइट, और ये डेटा है उसको अपन कहाँ पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पे। राइट, तो लिखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा है। ओके ओके, ठीक है। देखो हमें एक्स एक्सिस पे क्या है, नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स। वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला नेम क्या है, बनाना। ठीक है, फिर ऑरेंज। ठीक है, फिर एप्पल, फिर गुआवा। ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, मैक्सिमम नंबरिंग 8 तक जा रही है तो अपन यहां पे बुला लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, बहुत है इतना। तो बनाना के लिए कहां तक जाएगा, बार बनेगा कहां तक का, बार बनेगा 8 तक का, तो बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाना का अगर आप बार आ गया, बढ़िया। ऑरेंज का 3 तक जाएगा तो ऑरेंज के लिए 3 आ जाएगा। ठीक है, एप्पल के लिए 5, तो एप्पल इज फॉर 5। एप्पल कितने स्टूडेंट्स के पास है, 5 स्टूडेंट्स के पास है, तो एप्पल का बार 5 तक आ गया। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अगला है गुआवा। गुआवा का कहां तक है, 4 तक, तो गुआवा के लिए कितना आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। इजंट इट। तो ये जो ग्राफ आया मेरे पास, ये है क्या है, बेसिकली जो हमें डेटा दिया हुआ था उसका क्या है, ये बार ग्राफ है। राइट, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा फ्रूट किस कौन सा है बच्चों के पास, तो बनाना का बार सबसे बड़ा है। इधर अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमने बार बना लिया है तो सबसे बड़ा बार किसका है, बनाना का है, तो बनाना जो फ्रूट है वो सबसे ज्यादा है बच्चों के पास। ठीक है, और सबसे कम बच्चों के पास क्या है, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का बार क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि जो सबसे कम है और जो सबसे ज्यादा है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़े के लिए 8 है और सबसे छोटे के लिए 3 है, तो ये जो पार्ट है इतना, यही जो पार्ट है, यही डिफरेंस रहा होगा, विच इज 5। ठीक है ना, गिन लेते हैं इस ब्लॉक को, 1 2 3 4 5, तो कितने ब्लॉक्स आर देयर, 5 ब्लॉक्स आर देयर। तो हमने समझ में आया कि हमने कैसे बनाया बार ग्राफ। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक और बना के देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें बार ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन।
ठीक है, तो क्वेश्चन इज लाइक, राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा. डेटा है हमारे पास, आइटम्स है हमारे पास, है ना. एक्सपेंडिचर, घर का एक किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर का डेटा है कि उनका खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो है ना. तो डायरेक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं. तो आइटम एंड एक्सपेंडिचर, इसको साइड में बना लेते हैं, यहाँ बार ग्राफ बना लेंगे, राइट. इसको हटा देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है. देखो हमारे पास आइटम्स क्या है और एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि कितना खर्चा हो रहा है इस आइटम पे. पहला है हाउस रेंट, ठीक है. फिर है, अच्छा, हाउस रेंट का खर्चा है 3000, ठीक है. फिर है फूड, ठीक है, फूड पे है 3400, ठीक है. फिर है हमारे पास एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन है, एजुकेशन पे है 800, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी, ₹400, ठीक है. ट्रांसपोर्ट 600, और मिसलेनियस 1200, मिक्स 1200, ठीक है. मिसलेनियस मतलब जो फालतू का खर्चा होता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा खर्चा, वो सब, ठीक है. तो ये हमें दिया हुआ है डेटा. अब हमें क्या करना है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करता हुआ एक क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है. तो अगेन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो ये चीज है जिनका डेटा हमें दिया हुआ है, तो ये चीज एक्स एक्सिस पे आएंगी, और ये चीज क्या है, जो डेटा है वो है ये, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा, राइट. तो बना लेते हैं, ठीक है. हाँ, तो पहला क्या है, हाउस रेंट, ठीक है. फिर है फूड, फिर एजुकेशन, ठीक है. फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर मिक्स मिसलेनियस, ठीक है. ऐसा देखो, इस पे अपने को 3400 तक जाना है ना. सारे इवन नंबर्स हैं ये, तो एक काम करते हैं, 200 के गैप पे ले लेते हैं, ठीक है. 100 का गैप लेंगे तो बहुत बनाना पड़ जाएगा, तो 200 के गैप पे ले लिया. दिस इज 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, और 3400, और एक और ले लेते 3600, ठीक है. ऐसा सही है, सही है. अब देखो हाउस रेंट के लिए, हाउस रेंट के लिए 3000 पे 12 तक 12 है, तो 3000 यहां पे, इसको हाउस वाले को थोड़ा यहां ले लेते हैं ना, ठीक है. दिस इज फॉर हाउस रेंट. फूड के लिए, फूड के लिए कहां पे 3400, ठीक है, ये आ जाएगा इसके लिए बार. एजुकेशन के लिए कहां पे 800 तक, ये 800 है यहीं पे, ठीक बात. इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहां पे 400 पे, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहां पे जाएगा 400 पे, तो ये रहा 400, तो ठीक है. ट्रांसपोर्ट के लिए 600,
तो 600 अगेन यहाँ पे, ठीक है, मिक्सलेनियस 1200, तो 1200 ये रहा, ठीक है, 1200 के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया 1200 के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बार ग्राफ बन चुका है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बार ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि फैमिली ये देखना चाहती है कि हमारा सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। तो देखो, हाउस रेंट, सॉरी, फूड का बार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बार किसका है, फूड का। तो फूड में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, सबसे कम खर्च कहाँ हो रहा है। अगर फैमिली ये जानना चाहती है कि सबसे कम खर्च उसका कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम है, बार सबसे छोटा है उसका, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि हम बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो अब आप एक्सरसाइज 9.4 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, विच इज मेंसुरेशन, राइट। तो एक्सरसाइज 9.4 कर ले आप। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच।